हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। बिहार में निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब मिले 2000 से अधिक शिक्षकों का काटा गया वेतन। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब मिले 2000 से अधिक शिक्षकों के वेतन में कटौती की है, जबकि बीते 4 महीनों में शिक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले 22 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा 590 अन्य शिक्षकों के वेतन में कटौती और 17 शिक्षकों को बर्खास्त करने की भी सिफारिश की गई है। बता दें कि शिक्षकों के खिलाफ इस कार्रवाई पर TET प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई और आदेश को वापस लेने की मांग की है। यूपी में 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा रिटायर। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत 50 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य रूप से रिटायर किया जाएगा। यूपी पुलिस मुख्यालय ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए 31 मार्च 2023 को 50 साल की उम्र पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों की 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग की जानी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा ने कहा, दर्शन हीरानंदानी ने स्कार्फ और लिपस्टिक दी थी। बता दें कि TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हीरानंदानी ग्रुप के CEO दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें जन्मदिन पर एक स्कार्फ दिया था। महुआ ने कहा कि एक दोस्त के नाते हीरानंदानी उनके लिए दुबई से आई शेडो और लिपस्टिक लाए थे। गौरतलब है कि महुआ पर नकद और उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। महुआ ने कहा कि दर्शन की कार मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर पिकअप करने आती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फेसबुक या फिर एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट के अनुसार ऐसे पोस्ट को शेयर करना या रीट्वीट करना अपराध है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक शख्स के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67 और IPC की धाराओं में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की है। मुकेश अंबानी को धमकी, 20 करोड़ नहीं दिए तो मार देंगे। बता दें कि दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस के मुताबिक अंबानी को धमकी भरा मेल मिला है जिसमें लिखा है कि अगर तुमने हमें 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे, हमारे पास भारत के बेस्ट शूटर्स हैं। इस धमकी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच करनी शुरू कर दी है। सेबी ने गेहूं, सरसों, चना समेत कुछ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर बढ़ाई पाबंदी। बता दें कि सेबी ने कुछ कमोडिटी की डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर रोक को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सेबी ने 19 दिसंबर 2021 को स्टॉक एक्सचेंजों को जारी अपने आदेश में धान, गेहूं, चना, सरसों और उसकी डेरिवेटिव सोयाबीन और उसकी डेरिवेटिव क्रूड पाम ऑयल और मूंग पर एक साल के लिए पाबंदी लगाने को कहा था। कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन्फ्लेशन की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता का बयान, कहा कतर से भारत लड़ेगा कानूनी लड़ाई। बता दें कि कतर में नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों के मृत्युदंड के फैसले पर बीजेपी ने अहम बयान जारी किया है। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भारत इस मामले में 2 बार अपना पक्ष रख चुका है। हम ये देखकर हैरान हैं कि ऐसा भी होता है। हम इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत है। मुझे लगता है कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और उन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाने में सफल रहेगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।